नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। दोस्तों यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड 91,000 का प्री अप्रूव ऑफर आया, बैंक ने डिक्लाइन कर दिया। बड़े दुख वाली बात है, ऐसा होता क्यों है? प्री अप्रूव ऑफर डिक्लाइन तो होता नहीं है, आखिर इस बैंक ने क्यों कर दिया? चलिए इस वीडियो में आपको हम सब कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों यहाँ पे एक्सिस बैंक एक बहुत अलग बैंक है, बहुत यूनिक बैंक है। आप अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो इनका सिस्टम, इनका मन का मर्जी, जिनका सिबिल खराब है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कार्ड अप्लाई किया, कुछ ही टाइम में अप्रूव कर दिया। किसी किसी का रिकॉर्ड अगर बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सिबिल 800 है, 770-780 है, एक्सपीरियंस हाई है, उनको देंगे नहीं, डिक्लाइन लिस्ट बना देंगे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि प्री अप्रूव ऑफर आखिर डिक्लाइन क्यों हो गया? यहाँ पे दोस्तों हमारे व्यूअर्स हैं, इनको इन्होंने इसके पहले एक बार इस कार्ड को अप्लाई किया था, खुद से अप्लाई किया, डिक्लाइन हो गया। इन्होंने व्हाट्सएप पे जाके वहाँ पे चेक किया, तो व्हाट्सएप बैंकिंग है, व्हाट्सएप सेवाएं हैं, आपको ऑफर है बता दिया जाएगा। वहां पे इनको ऑफर आया कि आपको कंग्रेचुलेशन, प्री अप्रूव ऑफर क्रेडिट कार्ड 91,000 का आपका ऑफर है, क्लिक किया, अप्लाई किया और इधर डिक्लाइन हो गया। ऐसा क्यों? दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो कार्ड अप्लाई इसके पहले किया था वो डिक्लाइन हो गया था, और उसमें जो प्रॉब्लम था, जो सिस्टम ने उस प्रॉब्लम को फेस किया था, अब उस सिस्टम को लगा कि ये प्रॉब्लम अभी दूर नहीं हुआ है, और इसके बाद उसी सिस्टम के थ्रू और उसी एप्लीकेशन के थ्रू इनको जो ऑफर आया था इन्होंने प्रोसेस किया और डिक्लाइन हो गया। रीजन, क्योंकि इन्होंने अभी कार्ड अप्लाई किया था, ऑफर आया, इनको वेट करना चाहिए था। अगर इनको कॉल आता बैंक की तरफ से, बैंक जो बोलती है कि आप कार्ड के लिए प्रोसेस करना चाहते हैं, तो आप अगर उनकी तरफ से करवाते हैं तो वो जो करते हैं उनकी तरफ से जो एप्लीकेशन जाएगा वो डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा, आप जो करेंगे सिस्टम रिव्यू करेगा, इसके बाद प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है, तो कभी भी अगर आपको प्री अप्रूव ऑफर आता है तो अगर आपने उसी बैंक कार्ड अगर आपने अप्लाई किया था, जल्दी में ही डिक्लाइन हो गया था, तो आप उस प्री अप्रूव ऑफर को इग्नोर कर दें। रीजन, इग्नोर नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाएगा और आपके सिविल में इंक्वायरी जाएगा, साथ में आपका सिविल भी डाउन हो जाएगा। यहाँ पे HDFC बैंक की बात करूँ, अगर आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है, प्री अप्रूव ऑफर आ गया है, तो आप प्रोसेस कर सकते हैं। प्री अप्रूव ऑफर में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। एक अगर आपका डिक्लाइन होता है तो दोबारा एक कॉल करके बोलेंगे ये वाला कार्ड आपको नहीं दिया जाएगा, दूसरा कार्ड आपको दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो HDFC बैंक में ये सिस्टम है कि प्री अप्रूव ऑफर अगर आ गया है तो कार्ड आपको आगे पीछे जरूर मिलेगा। बाकी और बैंकों की बात करूं तो ICICI में भी ये दिक्कत नहीं है। अब अगर आप कार्ड के लिए प्रोसेस कर दिया, ऑफर आ गया है, तो आपका वन टाइम में ही वो प्रोसेस करके आपका अप्रूव हो जाता है। तो काफी सारे बैंकें हैं जो काम बढ़िया करती हैं, कोटक में भी आपको ये शिकायत बहुत कम मिलेगा। तो ये सिस्टम पूरा है। बाकी SBI में अगर अप्लाई करते हो तो इसमें भी होता है थोड़ा इंक्वायरियां जो है ये भी अप्रूव हो जाता है। तो सब बैंकों का नियम अलग अलग है, तो कभी भी आप अगर एक दो बैंकों की बात मैं कर रहा हूं, अगर आपका डिक्लाइन हुआ है तो वेट कर लें, भले से प्री अप्रूव ऑफर आया है तो। अगर आपको सिविल बचाना है तो ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो में बोल दिया आपका डिक्लाइन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ एडवांस लेवल में आपको सिर्फ समझा रहा हूं जिससे आप प्रॉब्लम में ना आए, क्योंकि आज के टाइम की बात करूं तो सिविल सबसे आपके लिए जरूरी है। बाकी सारे यूट्यूबर सिविल पे ध्यान नहीं देते हैं, नए-नए कार्ड आया प्रमोशन कर देते हैं, बता देते हैं, पर मैं सबसे पहले सिविल पे ध्यान, जो जड़ है, मैं उसकी बातें करता हूं। अगर आपका जड़ कमजोर है तो आपको कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है, और जड़ आपका सिविल स्कोर है। ये बातें आप लोग याद रखना, भले से आपको बहुत से लोग जानकारियां देते हैं, बट मेरा बात करने का, मेरा बताने का तरीका अलग है। वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करना, उसमें शेयर कर देना, आप बताना आपका कार्ड क्या इस तरीके से डिक्लाइन हुआ था, आप राय कमेंट में जरूर देना। फिर मिलते हैं साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।